देखिए हम इस तक वक्त यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, इत्तेफाक था कि थोड़ा आगे ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ऑटो से बैटरी रिक्शा से प्रचार कर रहे हैं और इत्तेफाक था, थोड़ा सा अभी ट्रैफिक जाम हो रहा है, रुका हुआ है, थोड़ा सा और आगे बाइक हटा लीजिए, रास्ता नहीं रुकेगा किसी का। तो सर कैसा चल रहा है कैंपेन? अब देख लीजिए, मोदी जी के क्वेटो में टोयोटो से चल रहा हूँ। अच्छा, मोदी जी के क्वेटो में ऑटो से चल रहा है? मोदी जी का क्वेटो है, क्वेटो खोज रहा हूँ कहाँ है, जाम के मुक्ति नहीं मिल पाई। अब आप समझ गए, हम तो क्वेटो खोज रहे हैं, जाम की बात तो है ही नहीं, लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। मैं जनता का नेता हूँ, जो साधन मेरे सामने उपलब्ध रहता है मैं बैठ जाता हूँ, किसी दुकान पे बैठ जाऊँगा। आम आदमी से जुड़ा हुआ मैं नेता हूँ, मैं हाथ हिला के घूम के भाषण दे के राजनीति नहीं करता। मेरा एक सवाल है सर, मोदी जी का रोड शो हुआ, अखिलेश जी का, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बसों में निकल रहा है, आप बैटरी रिक्शा से घूम रहे हैं। ऐसा है ना कि बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई पड़ी, ठीक है, जनता किस रोड शो में थी आपने देखा कि नहीं देखा? पूरा लंका से लेके गोदुलिया तक जाम हो गया। जहां जनता है लोकतंत्र में, वो नेता मजबूत है, वो गाड़ियों में मजबूत है, हम जनता में मजबूत है, अंतर यही। पुरानी कांग्रेस थी, अब ये नई प्रियंका गांधी वाली कांग्रेस बन रही है, महिलाओं को 40% वोटिंग मतलब टिकट दिया गया है, तो क्या लग रहा है अब महिलाओं का राजनीति में और ज्यादा एक्टिव होंगी महिलाएं? देखिए, हमें लगता है कि जो प्रियंका जी ने कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो एक नारा नहीं है, बल्कि जिस आधी आबादी की बात हिंदुस्तान का हर दल और हर नेता करता था, पहली बार प्रियंका गांधी जी ने उस जो है फीमेल क्लास को ये संदेश दिया है कि आप हर उस काम को कर सकते हो जो काम पुरुष कर सकता है। एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ इस नारे से, और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी में कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए, प्रियंका जी ने किया है। और हमारा ये मानना है कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिलने जा रहा है इस चुनाव में। मेरा सवाल ये है सर, अगर आप यहाँ से जीतते हैं, सबसे पहले काम क्या करेंगे जनता के लिए, क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना कि मैं इसके पहले जीता हूँ, कोई पहली बार तो जीत नहीं रहा हूँ। बनारस में फ्लाई ओवर बनवाने की शुरुआत मैंने की थी, चौका घाट का हो, मड़ुआडी का हो, पांडेपुर का हो, हमारे कार्यकाल में बना। ट्रामा सेंटर मैंने बनवाया, 80 घाट मैंने बनवाया, सारे घाटों को मैंने ठीक कराया, सारे कुंडों को मैंने ठीक कराया है। अभी स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और नौजवानों को बेरोजगारी पे काम करना बाकी है। आप कह रहे हैं सब करा, लेकिन सरकार अभी भी कहती है 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, जो करा मोदी जी ने करवाया। देखिए ऐसा है ना कि मूर्खों की बात का जवाब नहीं दिया जाता। मैं क्यों कह रहा हूँ आप खुद बताइए, मैं बता रहा हूँ उसको क्यों कहा। 1952 में पहली बार चुनाव हुआ हिंदुस्तान में, ठीक बात है, ये 2022 चल रहा है, ठीक बात है, 52 और 22 कितना साल हुआ, 70 साल हुआ, ठीक। इसी सत्तर साल के अंदर मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं 7 साल से, इसी में अटल जी भी हैं, ठीक, इसी में इंद्र कुमार गुजराल हैं, इसी में बीपी सिंह हैं, इसी में चंद्रशेखर हैं, इसी में देवगौड़ा हैं, तो 70 साल अकेले कांग्रेस ने शासन कहाँ किया। तो मैंने इसीलिए कहा कि मूर्खों की बात का मैं जवाब नहीं देता। 70 साल आप बताइए ना कि 2022 और 2052 मिला के 70 साल हुआ ना, और ये 70 साल मतलब तुम भी उसी शामिल हो 70 साल में, जो लोग बोलते हैं 70 साल वो भी इसी 70 साल, मैं गलत हूँ बताइएगा? कांग्रेस का ओवरऑल कार्यकाल 50 से 55 साल के बीच का रहा है, तो एक्जेक्टली मुझे अब ये लोग तो इतने बड़े विद्वान हैं कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, PhD किया हूँ, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहाँ मिलती है मैं आज तक नहीं जान पाया। अब ये कौन सी डिग्री है, किस यूनिवर्सिटी में दी जाती है मैं नहीं जानता। ये लोग इतने बड़े विद्वान हैं कि इनके चाणक्य कहते हैं कि 12वीं पास करो, इंटर में एडमिशन ले लो और लैपटॉप ले लो। अब ये कहाँ है मैं नहीं जानता, ये कैसे होगा मैं नहीं जानता,
ये कहते हैं कि हिंदी में कहते हैं 46 और कहते हैं कि अंग्रेजी में इसे 46 कहा जाता है 46। तो अब ये इतने बड़े विद्वान लोग हैं तो मैं कौन सी बात करूं इन लोगों से। हाँ, लक्ष्मण रावण क्या भरत को भेज दिए, भरत को भेज दिए। तो देखिए ये जो है सो कॉल्ड विद्वान लोग हैं और सो कॉल्ड विद्वानों से हम लोग मेरा आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल ये है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये बोला है कि अगर समर्थन की जरूरत पड़ी अखिलेश यादव को समर्थन करेंगे, क्या ऐसा है कि अगर भाजपा को हराने के लिए जरूरत पड़ती है अखिलेश यादव को तो कांग्रेस जाएगी उनके साथ? कांग्रेस को जरूरत पड़ी अखिलेश यादव की तो अपने साथ? देखिए ऐसा ना कि भाजपा को जनता हरा रही है, सरकार कैसे बननी है ये जो प्रियंका जी का कहना है ये सरकार बनने के लिए कहना है। भाजपा तो चुनाव हार रही है, उसका विकल्प चाहिए सरकार बनानी है। ठीक, अब मान लिया यदि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस एंटी भाजपा सरकार बनवाएगी, उसमें सपा हो सकता है कि अगुवाई करे। तो उनका जो कहना था वो सामान्य सा है कि जनता जो रिजल्ट देगी उसके बाद, रिजल्ट के बाद जो सरकार बनेगी उस सरकार को हम कैसे बनवाएंगे, तो सपा को हम समर्थन दे के सरकार बनवाएंगे क्योंकि भाजपा हार रही है, भाजपा हार रही, भाजपा सरकार जा रही है। देखिए मेरे साथ ये कैंट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे राजेश मिश्रा जी, इनसे हमने बातचीत करी, लगातार हम बनारस में जुड़े रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ समर्थक बहुत है, चाय पीने के लिए आए हैं और आप भी जुड़े रहे हमारे साथ। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आप 10 तारीख को आप देख लीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का शासन इन 5 सालों में दिया है उस प्रकार का शासन किसी ने नहीं दिया है। जिस प्रकार का सिस्टम, जो सिस्टम इन्होंने दिया है, आप देखिए हम लोग प्रॉपर बनारस के रहने वाले हैं जन्म से। 5 साल में कौन सा सिस्टम दिया? 5 साल में सबसे बड़ा अगर बीजेपी का सबसे अच्छा कार्य अगर देखा जाए, जो छोटा कार्य सफाई का, कूड़े के लिए घर घर में झगड़ा होता था, उठा के कोई दरवाजे के सामने रख दिया, कोई दबंग आदमी पिछली बार आए थे ये हमने देखा था, रात में भी झाड़ू लग रही थी, इस बात को हम एग्री करेंगे भैया। सबसे बड़ा चीज है सफाई, सफाई के बाद बिजली, बनारस में बिजली का ही व्यवस्था था कि भैया लाइन चला गया, परीक्षा एग्जाम हो रहा है, लाइन है नहीं, जनरेटर धड़धड़ा रहा है, ये चीज उन्होंने दिया। पानी का व्यवस्था उन्होंने सही चीज किया, सड़क उन्होंने सही चीज किया हुआ है। तो जो चीजें इन्होंने किया है, हम लोग प्रॉपर जन्म से बनारस में रह रहे हैं, 50 साल से ऊपर का चीज हो गया, किसी भी गवर्नमेंट में जितना बनारस में परिवर्तन, हर आदमी स्वार्थी है, हम लोग भी स्वार्थ हैं। एक समस्या बड़ी आ रही है, जहाँ जा रहा है कह रहा सब कुछ ठीक है, बहुत से लोगों ने अग्री किया जो आपने कहा है, हमने बहुत लोगों से पूरा यूपी कवर करके आ गए, सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं है सरकार में, महंगाई बढ़ रही है, सबने ये बात बोली। देखिए कब रहा, 2% रोजगार, देखिए कौन साल में देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपकी एक कंपनी है, ठीक भैया एक मिनट देखिए, जो काबिल है, योग्य है, उसको मिल रहा है। आप ही की एक कंपनी है, मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 लोग 22% चले गए, किसी को पता है? सवाल सही था युवा का कि अगर कांग्रेस में नहीं थे तो फिर इतने साल कैसे जी रहे थे लोग? क्या इन्होंने क्या है कि इतने कांग्रेस में अगर कुछ नहीं था तो इतने साल कैसे जी रहे थे? जीने के लिए तो अंग्रेज के पीरियड में भी जी रहे थे, मुगल पीरियड में भी जी रहे थे, तो जीने की तो बात अलग है। हम देखिए जब यहाँ के ब्रिटिश ना, तब भी कह रहे हैं 14 के बाद से स्वतंत्रता, सुनिए ना जब ब्रिटिश साल, देखिए ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश थे 150 साल, सुनिए पहले नहीं मिली थी, कहते हैं हाँ यही कहते हैं, तब इंडिया का नोचा गया, खसोटा गया ना, और जो कांग्रेस ने 70 साल में डेवलपमेंट किया उसके बाद मोदी जी ने किया। लोगों का मानना है तो बताओ क्या करें, लोग कहते हैं कि 2014 के बाद से झूठ का विकास हुआ है, झूठ इतना बढ़िया विकास हुआ है, ये योगी नहीं ढोंगी बाबा हो गए हैं, ये योगी नहीं ढोंगी बाबा हो गए हैं, किसानों का सर्वनाश, ढोंगी बाबा हो गए, सुनिए हमसे, लेकिन अगर आप हमसे बताते ये बोल रहे विकास, अभी इनको भेजिए बोले वहाँ पानी पी लें, कहीं का पी लें, किसी दुकान का पानी पी लें, नहीं पियेंगे, पानी की व्यवस्था महोदय ऐसा हुआ है 2014 से ऐसा हुआ है कि सदन में भी झूठ बोला जाता है, 2014 में शुरुआत हुई है कि संसद में, देश की संसद में झूठ बोला जाता है, प्रधानमंत्री देश का कहता है कि न कोई आया था न कोई गया है, अब रक्षा मंत्री कहता है नहीं आया था,
ये पहली बार थोड़े दिन, और थोड़े दिन बाद खबर आती है कि हमारी चीन से सीनी चीन वापस चले गए। ये तो सच है, ये तो सच है भाई। घर का गांव बस गया आज। कोई भी एक आम, देखिए हम किसी पार्टी से नहीं है, हम एक आम। आपने एक बात की, संसद का स्टेटमेंट है ये, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार किसी चीज को कैसे कहाँ क्या कहना है, कब कहना है। रक्षा में डर न पैदा हो इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं डर नहीं, फिर रक्षा सारी बात तो विजय सुखी है, फिर रक्षा मंत्री उस बात को क्यों कहता, क्यों मारता उसी सरकार ऊपर सीना जोरी। हाँ, एक तो चोरी ऊपर सीना जोरी करते रहिए। अब वही रक्षा मंत्री कहता है कि नहीं आया था। रक्षा के मामले में हिंदुस्तान का पूरे दुनिया में पाकिस्तान से आके मार के चला जाता था, रोज के रोज सर काट लेता था, कौन काट लेता, लिंग काट लेता था, अब कह नहीं काट लेता था। सुनिए, आप ध्यान दीजिएगा, आज कोरोना काल में मेडिकल के फीस की पढ़ाई 8 लाख रुपए एक साल की थी, वो हो गई 10 लाख, फिर बढ़ गई 8%, अब हो गया 13 लाख रुपए। क्यों हो गया भाई, आप क्या डेवलपमेंट किए हैं? मोदी जी तो कहते हैं क्यों जाते हैं, मोदी जी ने कहा कि मोदी जी कहे कि क्यों छोड़ के जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, 15 सुनिए भैया। नहीं नहीं नहीं, इनका मुद्दा ये है मेडिकल की महंगाई बढ़ गई, और मोदी जी बोले थे क्या, मेरी समझ में नहीं आता है कि छोटे छोटे देशों में पढ़ने क्यों जाते हैं लोग। मैं बताता हूँ, जैसे जहाँ तक मेडिकल की बात किए हैं, भैया का कहना है मेडिकल बढ़ी है, मेडिकल जैसे दवाई कंपनी का अलग अलग डायरेक्टर होते हैं, मालिक होते हैं। आज कोविड को लेके हर चीजें मंगी हुई है, ये मोदी जी का दिन नहीं कि मंगी हुई है, ये बिजनेस कर रहे हैं हम, कर रहे हैं आप, कर रहे हैं। अगर किसी चीज का इलाज डेवलपमेंट बढ़ा है तो वो बढ़ा है मोदी जी, उसमें कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ का दाम बढ़ा है। ईमानदारी की बात कीजिए, जितने एक मिनट सुन लो बाबू, सुन लो गवर्नमेंट, मेरी बात सुनिएगा। आपने बोला क्यों जाते बच्चे बहन, मैं बता रहा हूँ, 15 लाख इंजीनियरिंग मेडिकल करके छाना पकौड़ी पूरा देश देखा था हिंदुस्तान पकौड़ी। मोदी जी अब MBBS हिंदी में कराएंगे, 7 साल से 2014 से अभी तक समझ में नहीं आया कि हिंदी में कराना चाहिए, अब हिंदी में कराएंगे। यूक्रेन में बच्चे फंस गए तो निकाल नहीं। देखिए, जहाँ तक MBBS की बात है, जो कहते हैं लोग MBBS बाहर क्यों करने जाते हैं, जो बच्चे नीट में 50% मार्क्स लाते हैं वही बच्चे बाहर जाते हैं। पहले इसको लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चे क्यों जा रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ डाटा मिला? मैं बता रहा हूँ, डाटा कहाँ से मिला, प्रूफ दीजिए। मैं बता रहा हूँ, सुन दीजिए, प्रूफ दीजिए, जो क्वालिफाई बच्चे 100%। सर प्रूफ दीजिए, अभी आप प्रूफ दे दीजिए। बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछिए। मंत्री का बयान मत दीजिए, मंत्री ने बयान दिया था, ये डाटा देते हैं झूठा, उसी तरह समर्थक भी देते हैं, उसी तरह समर्थक लोग भी देते हैं। इस बार भाजपा की सरकार, कांग्रेस केवल 65 सालों तक लोगों को गुमराह करके रखी है, आज वही कांग्रेस पर युवाओं को और देश के पक्ष में बात कर रही है। क्या गुमराह किया था? अरे क्यों नहीं गुमराह किया, जैसे कि दो चीज बताइए ना, एक दो चीजें बताइए। अरे हर मुद्दे पर, हर जिस मुद्दे पे आप बात करिए ना, सुनिए, बेरोजगारी पे मुद्दे पे बात कर लीजिए, विकास इतना भयल हो कि इंडिया में 90 में कंप्यूटर आये, मोदी जी का डिग्री 78 में है कंप्यूटर वाली। सही बात है, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। सुनिए, झूठ के वे में जिस तरीके से विदेशों में, जिस तरीके से विदेश 78 में इसी जगह, एक मिनट रुक जाओ, नहीं 78 नहीं 76 में इसी, सुन लो बाबू, 76 में यही बनारस में क्या निकलता था, रुको, भेलूपुर के आगे जो विजयनगरम प्लेस है उसके ऊपर कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती थी, 3 बच्चों को मैं एडमिशन करवाया था 76 में 76 में, हाँ इमरजेंसी में, जानकारी नहीं होता, जानकारी के उपहास, उपहास करना अलग बात है, रह गई महंगाई हमारी बात, महंगाई, महंगाई के पैमाना क्या है, जो DA बढ़ता है वही ना पैमाना है, जैसे जैसे महंगाई का सूचकांक बढ़ता है एम्प्लॉय को DA बढ़ाते हैं। 20 साल के उठा के देख लो, सबसे कम DA बढ़ा है मोदी युग में, इसका मतलब कि DA बहुत कम बढ़ा है महंगाई के हिसाब से, महंगाई कंट्रोल है, नहीं महंगाई कंट्रोल नहीं है, DA कम बढ़ा है, महंगाई महंगाई खूब बढ़ जाए उसे मतलब नहीं है। जितने साल से शासन कर रहे हैं, कल पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था,
भारत में कहीं बम ब्लास्ट सुनने को मिला है नहीं तो बनारस गोदवलिया लंका कैंट कहीं जाने में हमको डर लगता था, यही संकट मोचन पे बम ब्लास्ट हुआ। एक भी बम ब्लास्ट की घटना हुआ है? नहीं हुआ है। तो बस यही चीज चाहिए, सुरक्षा है, यही सुरक्षा है कि आज देश को, लोगों को, युवाओं को पसंद मोदी है। आप कितने बड़े हैं, कितना उम्र है आपका? 33 साल। क्या लड़ते हुए, कितने बेटा हुए? मेरी शादी नहीं हुई, मैंने करी हुआ। तब फिर बेटार आप बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं करो? परिवार बढ़ेगा तो नोट बढ़ेगा, माल आएगा घर में, बाजार टाइट हो जा, कहाँ रुता हुआ ये बतलाइए। क्यों नहीं बढ़ा है बाजार, हर आइटम बढ़ेगा, बढ़ना जरूरी है। परिवार लोग परिवार लोग परेशान है, परिवार नोट बढ़ेगा, माल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? तो उन पार्टी में नहीं बढ़ा है, ऐसा है ना, कांग्रेस में नहीं बढ़ा, भाजपा में, मायावती में नहीं बढ़ा, बहुजन के मन नहीं बढ़ा है, तब में बढ़ा, तब में लूट हुआ। भाजपा हरे, इस बार कांग्रेस मुक्त, इस बार कांग्रेस मुक्त यूपी निश्चित रूप से बनेगा। पहले ही बनी है, 32 साल से तो आई नहीं है। नहीं नहीं, मतलब कांग्रेस नहीं, एक सीट रायबरेली वाली भी इस बार चली जाएगी, पूर्णतः कांग्रेस मुक्त इस बार यूपी बनने मन को संतोष दे रहे हैं, ये अपने मन को संतोष दे रहे, सभी सीटें हार रहे हैं, बनारस से भी हार रहे हैं। आखिरी बोल लेते, किसकी सरकार, किसकी सरकार? डिबेट गर्म हो गई, बहुत लंबी भी हो गई है। बहरहाल फिलहाल ये है कि अभी हम लगातार जुड़े रहेंगे बनारस में, जब तक इलेक्शन नहीं होगा यहीं पर मौजूद रहेंगे, और भी जगह से बातें करेंगे, बूथिंग से भी जानेंगे लोगों के मुद्दे क्या रहे हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कौन